दोस्तों अभी मैं एक लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट पे बैठा हुआ हूँ और हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। डोईवाला के पास ये जगह है और मेरे लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का। तो मैं ऊपर से आपको अभी नज़ारे दिखाऊंगा कि किस तरह के नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का टूरिज़्म जो है हमारे जो है पहाड़ी जनपदों में पहुँचेगा। देखिए फ्लाइट दे रहे हैं और अब मेरा ऑडियो नहीं आया। हम नीचे पूरा मजा लेके और दोस्तों अभी बात करेंगे हमारे पायलट साहब से। जैसा आप जानते हैं कि जागो उत्तराखंड का काम है लोगों को जगाना और आज फिर हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक युवा साथी उत्तराखंड में एक नया स्पोर्ट्स लेके आया है, लाइट वेट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट लेके। ये देखिए आप सामने, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ लाइट वेट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट और इसके पीछे आप देख रहे होंगे जो पीछे दिखाई दे रहा है ये पैरासूट है। तो आप अभी नहीं समझ पाए होंगे कि है क्या, क्योंकि ये मिक्स है पैरासूट और इस तरह के ग्लाइडर का, ग्लाइडर या लाइट वेट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट जिसे बोलें। तो ये नया किस्म का एडवेंचर टूरिज़म उत्तराखंड में लाए हैं और इसको डोईवाला के पास जो माजरी ग्रांट है वहाँ पर इसकी फ्लाइट हो रही हैं और इस काम को कर रहे हैं हमारे एक युवा साथी। आइए उनसे सीधे बात करते हैं क्योंकि एक अभी हमने बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे फ्लाइट ली है और बिल्कुल अंधेरा सा होने वाला है, इसलिए जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। भाई पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस तरह से ये जो आपने फ्लाइट का आइडिया आपके दिमाग में आया कि उत्तराखंड में भी इस तरह का काम करना चाहिए, थोड़ा सा परिचय दें पहले अपना। मेरा नाम कैप्टन विनायक है, मैं हरिद्वार देहरादून बॉर्डर पर हरिपुर कला एक गाँव है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये जो एक्टिविटी है, ये लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट एक्टिविटी है, इसको हमने जनवरी 2023 में स्टार्ट किया था जो ऑलमोस्ट अब एक साल होने जा रहा है। और इसमें आपने अभी बात करी है कि पैराशूट और इसकी, तो टेक्निकलिटी पे आते हैं हम, तो इसमें वन टाइम में 1% फ्लाई करता है पायलट के साथ में और जो इस एयरक्राफ्ट के साथ में पैराशूट ही अटैच है जो इसको और ज़्यादा सेफ बनाता है। यदि हम बात करें एडवेंचर जहाँ वर्ल्ड आ जाता है वो वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर दिमाग में आ जाता है पर्सन के कि यहाँ पे शायद एक रिस्क है, पर हम एविएशन एरो स्पोर्ट्स की बात करें यहाँ 0.1% रिस्क रहता है क्योंकि जो हमारी पूरी टीम है कंपनी के अंदर, हमने प्री फ्लाइट जो मेंटेनेंस इंजीनियर है हमारा जो इसको प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट इसकी पूरी चेक्स करता है, पायलट्स भी बिफोर टेक ऑफ इसके चेक्स करता है और जो इसका मैनुअल के हिसाब से जो इसका रूटीन रहता है, डेली रूटीन रहता है उसको हम उसके हिसाब से हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं। और हम बात करते हैं यदि कोई भी एज ग्रुप का इस एक्टिविटी को कर सकता है, 5 साल से लेकर कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो वो कर सकता है, इवन कोई सीनियर सिटीजन भी है या कोई वेट की बात आती है कि 100 kg से ऊपर का पर्सन है क्या वो फ्लाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि राफ्टिंग हो गई, बंजी जंपिंग हो गई, इसमें एक वेट कहीं ना कहीं मैटर करता है और एक एज फैक्टर मैटर करता है। और इस एयरक्राफ्ट में मैं आपको बताऊं 130 kg तक पायलट के साथ में पैसेंजर फ्लाई कर सकता है और इस एयरक्राफ्ट को हम 3.5 घंटे, इसकी जो एंड्योरेंस है फ्लाइट की वो 3.5 घंटे की है, फुल टॉप अप पे हम 3.5 घंटे तक इसको फ्लाई कर सकते हैं और ये बहुत सेफ एयरक्राफ्ट है।
जैसे कि आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि इस तरह का एयरक्राफ्ट अगर पहाड़ों के बीच उड़ के जाए और आपको हिमालय दिखाई दे, आपको तलहटी में घाटियाँ दिखाई दें, नदी दिखाई दे, झीलें दिखाई दें, तो क्या ये भी संभव है? हाँ बिल्कुल, आने वाले टाइम पे ये भी संभव है। अभी जैसे कि एरो स्पोर्ट्स, जैसे हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो हैं, उन्होंने एक नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें जितने भी ये एरो स्पोर्ट्स थे वो सब कवर हुए हैं। और नई नई जो एयरक्राफ्ट हैं, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट हैं, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी जो हमारी फर्स्ट स्टेज में हमने 912 एयरवुल्फ के साथ में अभी हमने लॉन्चिंग की है, और अभी जो सेकंड स्टेज है इसमें हम जायरोकॉप्टर हो गया, पावर्ड हैंड ग्लाइडर, बैलूनिंग, स्काई डाइविंग विद हेलीकॉप्टर आपको एक ही जगह से यहाँ पे करने को मिलेगी। तो कस्टमर को कोई भी एरो स्पोर्ट्स अदर करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, तो ये हमारा प्रयास है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे माजरी के पास टूरिस्ट आएगा तो नेचुरली वो कहीं दूर से अगर आता है तो कहीं रुकने की व्यवस्था भी है, या वो डे विजिटर एज ए आए और रात को रुकने का फिलहाल आपके पास इंतजाम नहीं, किस तरह की व्यवस्था है आपके पास? बिल्कुल, जब हम बात करते हैं एडवेंचर की तो ऋषिकेश जो टूरिस्ट है सारा ऋषिकेश की तरफ भागता है और मसूरी की तरफ जाता है। ये जो लोकेशन है ये सेंट्रल लोकेशन है, हरिद्वार देहरादून और ऋषिकेश से इक्वल डिस्टेंस पे है जो इस, और ये हाईवे के पास होने के कारण टूरिस्टों को बहुत इजी, मतलब वो अपने कन्वेंस से भी आ सकता है, टैक्सी कैब से भी आ सकता है, और जो हमारी उत्तराखंड की परिवहन बसें हैं उनको भी ऋषिकेश से हायर करके वो आ सकते हैं यहाँ पे। और हम बात करते हैं यदि इस एयरक्राफ्ट की, तो हम 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की हमारे पास पैकेज है। वो ऋषिकेश दर्शन करना चाहता है, हरिद्वार दर्शन करना चाहता है, तो इस एयरक्राफ्ट से वो कर सकता है। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि इस फ्लाइट को आप हरिद्वार और ऋषिकेश के ऊपर भी लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, तो थोड़ा सा डिटेल में समझाइए क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ऊपर से आप दर्शन करेंगे। बिल्कुल, धर्म क्षेत्र के भी कर सकते हैं आप और एडवेंचर को लेके भी आपका मजा है, डबल मजा हो गया है। तो बिल्कुल आपने सही बोला कि जब आप धार्मिक जगह पे जाते हैं तो आप गंगा आरती, आपको यदि आप इमेजिन करिए कि आप 500,000 फीट से गंगा आरती देख रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार की गंगा आरती का एंजॉय कर पा रहे हैं, मॉर्निंग सनराइज़ व्यू जो रहता है हमारे, जो यहाँ से ऋषिकेश वैली से जो सनराइज़ व्यू निकलता है, तो आप उसको इन एयर इंजॉय कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये, मतलब बहुत ही अच्छा कस्टमर को फील आने वाला है। और जो हमारा पास्ट 1 साल में एक्सपीरियंस रहा है, जो जिन्होंने ऋषिकेश एक्सपीडिशन हमारे साथ किए हैं इस एयरक्राफ्ट में, उनका बहुत ही अच्छा हमें फीडबैक मिला है। क्या ये मसूरी और मालदेवता इस इलाके में भी जा सकता है? मसूरी और मालदेवता के लिए हम लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं क्योंकि इस साइड में हमारे नॉर्थ में जो लोकेशन है यहाँ पर एयरपोर्ट है और उनके हम फनल जोन में क्रॉस नहीं कर सकते, उनकी जो अप्रोचिंग पाथ है, तो हम लोग जो हमें एक सर्टेन एरिया हमें जो प्रोवाइड हुआ है वहीं पे फ्लाई करते हैं जो हमारा सिविल एरिया है। मतलब फिलहाल आप हरिद्वार और ऋषिकेश और मेरे ख्याल से स्वर्ग आश्रम भी फिर इसमें हुआ? बिल्कुल, स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश आपका तपोवन हो गया, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये पूरा कवर होता है, और हरिद्वार में आपकी हर की पैड़ी जो है, हरिद्वार गंगा आरती आप सब देख सकते हैं इससे। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि जो फ्लाइट होगी उसका चार्ज कितना होगा? आप तो 3 घंटे घुमा के ले आएंगे लेकिन पैसा कितना लेंगे? बिल्कुल, आपने पैसे की बात करी है, तो इस एक्टिविटी की जो कॉस्ट है, एक जो हम बात करते हैं ऋषिकेश एक्सपीडिशन की, वो 60 से 70 मिनट की रहेगी। इसमें आप देख रहे हैं वन टाइम 1 पर्सन जाता है, तो जो हमने अभी कॉस्ट कटिंग है हमारी वो हमने बहुत नॉमिनल चार्ज रखा है, और 20,500 रुपये पर पर्सन हम चार्ज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 18% GST प्राइस में इंक्लूड है ऑलरेडी, तो आपको GST अलग से नहीं देना है। और इसके लिए अभी जो क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है उसमें हमने ऑफ़र भी निकाला है, यदि आप एक फ़्लाइट बुक करते हैं तो आपको एक फ्री मिलेगी, और जो ऋषिकेश वाली है उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा 35% का। अच्छा, सबसे बड़ा संकट है उत्तराखंड के युवा का कि रोज़गार, इससे आप कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार दे पाए हैं? खासतौर पर जो मूल निवासी हैं, उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, उनको कितने लोगों को यहाँ रोज़गार मिला है, और भविष्य में कुछ लोग इसे जैसे आप काम कर रहे हैं और भी लोग करना चाहें तो उनको क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल, आपने रोज़गार जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि एक मुद्दा है, और जो हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं पलायन, और एक जो अदर स्टेट में एक मैसेज जाता है मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड वालों के लिए अच्छा नहीं रहता, कि जब पलायन की बात होती है तो शुरू से ही अपने प्रदेश के लिए कुछ करना था, और ये एक नया स्टार्टअप हमने करा है, और इसमें हमने जो रोज़गार जो दिया है, हमने 10 युवा अपने जो उत्तराखंड के थे उनको हमने अपनी कंपनी के अंदर रोज़गार दिया है, चाहे वो हमारे मेंटेनेंस इंजीनियर हो, ग्राउंड स्टाफ हो, मार्केटिंग टीम हो, या अदर स्टाफ हमारा जो हो,
तो 10 को दिया है, अभी जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो करेगी और भी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हमारी कंपनी में रहेगी, और कोई भी व्यक्ति यदि एरोस्पोर्ट्स एविएशन फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, ज़रूरी है कि वो एयरलाइंस ज्वाइन करे कि आप इंडिगो या एयर इंडिया जैसी बड़ी कंपनियों में जाके आप पायलट बन सकते हैं। आप एरोस्पोर्ट्स फील्ड को भी चूज़ करके आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। विनायक जी, आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करें, क्या एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या वेबसाइट है आपकी, थोड़ा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, हमारी जो कंपनी का नाम है शिवम एरोस्पोर्ट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है, फ्लाइंग सफारी इंडिया। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.flyingsafariindia.com है, और मेरा जो कंपनी का जो मोबाइल नंबर है वो है 7669884700। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है आपकी, कुछ भी है, तो आप कभी भी इसको ऑफिस टाइम में कॉल करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने जो है नया स्टार्टअप शुरू किया है और एक नया मौका भी दिया है उत्तराखंड के युवाओं को कि एयरो स्पोर्ट्स के फील्ड में आप अपना एक रोज़गार डेवलप कर सकते हैं और उत्तराखंड में ही रहकर यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए जागो उत्तराखंड।